खलारी बाजारटाण स्थित पेट्रोल गोदाम में दीपावली पर्व के उपलक्ष्य में भट्टी यात्रा का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि विस्थापित नेता रामलखन गंझू, विशिष्ट अतिथि बुड़मू जिला परिषद सदस्य रामजीत गंझू ने फीता काटकर सांस्कृतिक कार्यक्रम का उद्घाटन किया। इस अवसर पर नागपुरी ऑर्केस्ट्रा में आए कलाकारों के द्वारा एक से बढ़कर एक गीतों की प्रस्तुति दी गई। वहीं चतरा में लगे पारंपरिक मिठाई, श्रृंगार, खिलौने सहित खाने पीने और जरूरी सामानों की खूब बिक्री हुई। मौके पर अमृत भोक्ता नागदेव सिंह, अर्जुन प्रसाद, प्रभाकर गंझू, बुल्ला गंझू, हरदीप सिंह, मनोज गंझू, शंभुदास, सदन महतो, ललकू गंझू, राहुल गंझू, गोविंद भोक्ता, बीगू गंझू, संजीव भोक्ता, जितवाहन गंझू, रतन गंझू, बबलू, रोहित समेत काफी संख्या में लोग उपस्थित थे। ताली बजाइए, ताली बजाइए, ताली बजाइए भाई, जोर से बोलिए। सहयोग अध्यक्ष श्री राहुल गंझू को भैया और इधर नरेश चाहूंगा हमारे लखन बाबू के नाथी से बातचीत और हमारे यहाँ पे भोक्ता जी प्रभाकर जी अनुरोध होगा जैसे बाबूलाल के आप
सिंगर सागर उनका पाए गया हो इस मंच को संभालेंगे रुकिए अरविंद सर साथी जितने भी है उन सभी से आग्रह होगा कि कृपया आप अपने अपने जगह पे बैठेंगे आके विशेषण साथी इसका दीपावली शुभ अवसर पर आप तमाम को जानते हैं कि मेरे पुरखों के द्वारा मेरे गार्जियनों के द्वारा जो संस्कृति जो पहचान जो सम्मान है उसको बचाने के लिए आज हम तमाम नौजवानों का फर्ज बनता है। इसी के साथ आज इस पर अपना इस सोहराय जतरा के शुभ अवसर पर अपने हम लोग गाजे बाजे के साथ जो नृत्य कर रहे हैं जो यहाँ पर अपने कला के प्रदर्शन करने के लिए आए हैं सभी सम्मानियों से आग्रह करना चाहता हूँ कि आप तमाम कोई जो अपना वेशभूषा अपना जो संस्कृति अपना जो रिवाज अपना जो रहन सहन है उसको हमेशा हम तमाम नौजवान हम तमाम पुरखों के जो छोड़े हुए संवैधानिक तरीका है उसे हम तमामों को बचाने का फर्ज है। इन्हीं जन शब्दों के साथ पूर्वजों का दिन है ये हमारे पूर्वजों ने बरसों से डायर यात्रा का आयोजन करते आए हैं और उसी को देखते हुए हम लोग इस परंपरा को बचाने का आज हम कार्य कर रहे हैं। डायर यात्रा हम लोग जो लगाते हैं पशु का एक बचाने का एक माध्यम है हम लोग एक संदेश देने का काम करते हैं। हमारे पूर्वजों ने जो बताया है कि इस डायर यात्रा में जो पशु को हम लोग पशु से जीवन भर काम लेते हैं साल भर काम लेते हैं उसके लिए हम लोग एक यात्रा का आयोजन करते हैं मेला का रूप उसको देते हैं उसको बचाने के लिए उसको सेवा करने के लिए। तो कहीं ना कहीं हम सभी को इस परंपरा को जिंदा रखना है बचा कर रखना है और ये सभ्यता संस्कृति हम लोगों की यही पहचान है कि हम लोग इस क्षेत्र के मूल निवासी हैं और मैं खास करके यहाँ